महात्मा चाणक्य चाणक्य नीति दर्पण में कहते हैं, वित्तेन रक्षतो धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृदुना रक्षते भूपः सत् स्त्रिया रक्षते गृहम्। मित्रों, महात्मा चाणक्य कहते हैं कि वित्त से, धन से, हमारे पास सात्विक धन होगा तो हम धर्म की रक्षा कर सकेंगे, हम धार्मिक कार्य कर सकेंगे, धर्म की रक्षा होगी, धर्म की वृद्धि होगी, समाज में हम उत्तम उत्तम कार्य करवाएंगे, सभी को शिक्षा प्रदान कराएंगे, निर्धनों को उनकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए हम धन लगाएंगे, तो धर्म की रक्षा होगी, मानव धर्म की रक्षा होगी, सभी मनुष्य समाज में सुखी होंगे जब हमारे पास में धन होगा। इसलिए हमारे वेद हमेशा हमें धनवान ऐश्वर्यशाली बनने के लिए कहते हैं, हमें निर्धन बनने के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि संसार में निर्धन होना एक अभिशाप है। कोई व्यक्ति ये न सोचे कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सुखी हूं, नहीं, यह अभिशाप है। गरीब होना संसार में एक अभिशाप है। हमें पुरुषार्थ करना है, परिश्रम करना है, अपने बुद्धि से अधिक धन का अर्जन करना है सन्मार्ग से। और मित्रों, आगे कहते हैं चाणक्य कि धर्म की रक्षा धन से होती है और विद्या की रक्षा, ज्ञान की रक्षा योग से होती है। मित्रों, जब मनुष्य यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का जीवन में आचरण करता है तो उसका ज्ञान पवित्र रहता है, उसकी जो विद्या है, उसका जो ज्ञान है वो शुद्ध रहता है, उसमें अज्ञान मिश्रित नहीं होता है। और जो ज्ञान शुद्ध होता है वह मनुष्य को सन्मार्ग दिखलाता है, सन्मार्ग पर ले जाता है, सुख के मार्ग पर ले जाता है, श्रेय के मार्ग पर ले जाता है, परमार्थ के मार्ग पर ले जाता है, प्रभु के मार्ग पर ले जाता है। मित्र, इसलिए हमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि रूपी योग को जीवन में हमेशा करते रहना चाहिए, जिससे हमारा ज्ञान शुद्ध रहे, पवित्र रहे। और आगे कहते हैं कि राजा की रक्षा, अर्थात राजा क्षय को प्राप्त नहीं होता है यदि मृदुना, माने यदि वो उसका स्वभाव मधुर है, मीठा है, विनम्रता के साथ में यदि राजा बोलता है तो राजा कभी कमजोर नहीं होता, राजा को कोई मार नहीं सकता, उसकी रक्षा उसके सरल, मधुर और विनम्र स्वभाव से होती है। मित्रों, और मित्रों आगे कहा कि सत् स्त्रिया गृहम रक्षते, अर्थात जो सती स्त्री हैं, अर्थात जो श्रेष्ठ स्त्रियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, जो उत्तम उत्तम व्यवहारों को जानती हैं, जो सत् आचरण का पालन करती हैं, जो पतिव्रता हैं, जो अपने बच्चों को संस्कार देती हैं, स्वयं भी संस्कारों से भूषित होती हैं, मित्रों, उन उत्तम स्त्रियों के द्वारा ही घर की रक्षा होती है, कुल की रक्षा होती है। मित्रों, इसलिए महात्मा चाणक्य ने इस श्लोक में चार बात बताई। मित्रों, पहली बताई कि धर्म की रक्षा वित्त से होगी, इसलिए हमें पुरुषार्थ और परिश्रम पूर्वक धन का अर्जन करना चाहिए। दूसरा कहा कि जो विद्या है उसकी रक्षा योग के द्वारा होगी, इसलिए हमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि को जीवन में अपनाना चाहिए। और तीसरा कहा, यदि आप राजा हैं, यदि आप प्रशासक हैं, आप शासक हैं, तो आपको अपना स्वभाव विनम्र रखना चाहिए। और अंतिम में चौथी बात कही कि यदि कुल की रक्षा करनी है तो
तो हमारी माताओं और बहनों को सदाचार का पालन करना होगा, उन्हें संस्कारों को धारण करना होगा, उन्हें अपनी संस्कृति को अपने जीवन में अपनाना होगा, अपनी संतानों को संस्कार देना होगा, उनको सत्य और असत्य के विषय में बताना होगा। मित्रों, ये चार शिक्षाएं हमें इस श्लोक से प्राप्त होती हैं। मित्रों, आपको यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अवश्य इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंडों में, अपने मित्रों में, और सब्सक्राइब करना इस देववाणी संस्कृतम चैनल को करना मत भूलिएगा, जिससे आपको डायरेक्ट वीडियो आगे की मिल सकें। ओम।